इससे पहले आप लोग प्रश्नावली 1.2 तक पहुँचे हैं, प्रश्नावली 1.3। इसमें जो पहला सवाल है ये कह रहा है कि उप समुच्चय है या उप समुच्चय नहीं। तो उप समुच्चय किसे कह रहे हैं पर इसको देखा जाए, ऐसे दो समुच्चय जिसमें पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हो उसे कहते हैं एक दूसरे का उप समुच्चय। यानी कि जैसे एक समुच्चय ए माने जाए और एक बी, तो एक अवयव जैसे एक है, दो है, तीन है, और बी के अवयव है 1, 2, 3, 4। तो जो 1, 2, 3 है ये बी के अंदर है 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा ए उप समुच्चय बी। इसके बाद देखिए जो पहले का पाला है 2, 3, 4 और यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, तो ये जो है 2, 3, 4 इसमें भी क्या है 2, 3, 4, ये इसके सभी अवयव इसमें हैं, इसके सभी अवयव इसमें हैं। तो इस दृष्टि से जो है ये पहला सवाल है आपका, तो चूँकि विद्यमान है इसके सभी अवयव इसमें, यानी कि 2, 3, 4 भी मिल रहा है, यहाँ भी 2, 3, 4 है, तो ये उप समुच्चय हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो सिंबल होगा ये हो जाएगा उप समुच्चय का। यहाँ पर देखा जाए ए बी सी, तो इसमें तीन अवयव हैं ए बी सी, यहाँ देखा जाए यहाँ भी तीन अवयव, लेकिन बी सी डी, तो बी और सी यानी कि बी और सी यहाँ भी है, तो बी और सी यहाँ भी है, लेकिन ए है पहले समुच्चय में लेकिन दूसरे समुच्चय में ए नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो पहले समुच्चय के जितने अवयव होते हैं दूसरे समुच्चय में होने चाहिए, तो एक ऐसा अवयव ए है जो बी में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं होगा, यानी कि इसको इज नॉट सबसे। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, इसमें पहला समुच्चय है ए कमा बी और दूसरा समुच्चय है बी सी ए, और कह रहा है कि इज नॉट सबसे, यानी कि ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं है। तो देखा जाए इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, तो इसमें भी है बी है, यानी कि ये दोनों अवयव जो है इसमें मिल रहे हैं, यानी कि ये समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है उप समुच्चय है, लेकिन कह रहा है कि नहीं है, यानी कि ये कथन क्या है असत्य है। अब दूसरा है ए कामा ई, अरे उप समुच्चय यानी कि सबसेट एक सब्जेक्ट एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो ए और ई ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के ही स्वर है, लेकिन यहाँ जो कह रहा है एक सब्जेक्ट एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में जो है ए से लेकर जेड तक आ जाएंगे, तो ए से जेड के अंदर ए और ई ये दोनों अक्षर आ जाएंगे, इसलिए जो है पहला समुच्चय के जितने दो अवयव हैं दूसरे समुच्चय के अवयव में शामिल हैं, इसलिए ये दूसरा कथन जो है सत्य है। इसके बाद तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव लिखिए, तो समुच्चय का अवयव निकालने से पहले उनके उप समुच्चयों की संख्या निकाल जाती है, तो देखा जाए इसमें कितने अवयव हैं, तो ये जो समुच्चय दिया है इसके अंदर एक अवयव है, उप समुच्चयों की संख्या निकालना हो अवयवों की संख्या हो गई, अवयवों की संख्या बराबर एक, इसलिए उप समुच्चयों की संख्या। तो इसका फार्मूला है दो पद्धतियां, यानी कि जो अवयवों की संख्या एक है पुस्तक के अंदर एक, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, तो इसके अवयव कितने हो जाएंगे 2, इसलिए अवयव बराबर मझोले पुस्तक में ये हो जाएगा, और इसके अलावा कोई दूसरे अवयव नहीं है तो इसको 5 लिख सकते हैं, तो 5 को पुस्तक के अंदर है लिखा है, यानी कि एक अवयव ये हो गया ए और दूसरा अवयव 5। अब इसके बाद दूसरा और ए कामा बी, इसके सभी अवयव को निकालना है, तो सबसे पहले अवयव की संख्या देखे जाए
इसमें दो है समुच्चय में ए और बी। इसके बाद उप समुच्चयों की संख्या निकाल लिया जाए। फार्मूला है दो पर घात एन इक्वल टू हो जाएगा एन का मतलब दो, दो पर घात दो इक्वल टू चार, इसलिए इसके अवयव कितने हैं, इसलिए अवयव बराबर ये हो जाएगा। पहले ये हो जाएगा बी हो जाएगा, इसके बाद ये कामा भी, और ये हो जाएगा फाइव। यानी कि इसके अवयव जो है एक दो तीन चार, और जो पहला समुच्चय था इसके अवयव है एक दो, यानी कि ये तीसरा सवाल जो है कंप्लीट हुआ। जो अगला प्रश्न एक दशमलव चार, जो पहला सवाल दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन, यानी कि दोनों को जोड़ना। तो एक्स का मान दिया है एक तीन पाँच और वाई का मान दिया है एक दो तीन, इसलिए एक्स यूनियन वाई बराबर एक तीन पाँच यूनियन एक दो तीन, इसका हो जाएगा क्योंकि दो समुच्चय हैं तो जो पहले का है एक तीन पाँच और दूसरे का एक दो तीन, जब जोड़ा जाएगा तो जो अवयव एक से अधिक बार आएगा उसको एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, एक ही बार लिखा जाएगा। तीन यहाँ है तो तीन यहाँ भी है, लेकिन दो यहाँ है तो दो यहाँ नहीं है, एक के बाद दो, इसके बाद तीन, इसके बाद पाँच, यानी कि ये हो गया एक यूनियन वाई यानी कि पहले का सम्मिलन। इसके बाद दूसरा ये बराबर दिया है ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए बी सी, तो इसका सम्मिलन निकाला जाए, इसलिए ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी आई ओ यू, यूनियन बी का मान रख दिया जाए ए बी सी। अब दोनों को जोड़ा जाए तो जो ए का मान दिया है ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, और चूंकि समुच्चय ए में अवयव पाँच हैं, अब समुच्चय बी में देखा जाए तो इसमें जो अवयव हैं समुच्चय बी के तीन हैं, अब दोनों को जोड़ा जाएगा तो पता है कि जब एक ही अक्षर की आवृत्ति होगी एक से अधिक बार आएगा तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा, यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए है इसको एक बार लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ बी है लेकिन यहाँ कहीं बी नहीं है, यहाँ ई है तो इसमें बी नहीं है, इसके बाद लिख लिया जाएगा बी, इसके बाद सी, इसके बाद हो जाएगा ई आई ओ हो गया और यू हो गया, यानी कि दोनों का सम्मिलन हो गया, यानी कि दोनों को जोड़ लिया गया, यानी कि पहले के दो सवाल हो चुके हैं, इसके आधार पर शेष आप लोग लगा लीजिएगा। सवाल नंबर दूसरा करें कि यदि ए बराबर यानी कि जो समुच्चय ए के अवयव हैं एक दो तीन चार, बी के अवयव हैं दो तीन चार पाँच छः और सी के पाँच छः सात आठ और डी का दिया है सात आठ नौ दस, तो ए यूनियन बी यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं ए सम्मिलन बी, यानी कि दोनों को क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए। जोड़ने पर हो जाएगा
एक यहाँ अकेले इसमें नहीं है, कहीं बार लिखा जाएगा, दो है यहाँ इसमें भी नहीं है, दो क्योंकि तीन इसमें है तो तीन इसमें भी है, ये कहीं बार लिखा जाएगा, चार यहाँ है तो चार यहाँ भी है एक बार, इसके बाद पाँच छः, यानी कि ये जो है पहला हो गया ए यूनियन बी, इसके बाद दूसरा कह रहा है कि ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन सी, तो ए और सी को यानी कि इन दोनों को जोड़ लिया जाए, ए का मान है एक दो तीन चार और सी का मान दिया है पाँच छः सात आठ, यूनियन पाँच छः सात आठ, यह है एक इसमें भी नहीं है तो एक ही बार लिखा जाएगा, दो इसमें भी नहीं है एक बार है, तीन इसमें एक बार, चार चार भी नहीं है चार, इसके बाद पाँच छः सात आठ, ये हो गया ए यूनियन सी। इसके बाद जो है तीसरा है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यानी कि बी और सी को जोड़ना है, तो बी का मान यहाँ पर है और सी का मान यहाँ है, यहाँ पर तीन है तो इसमें नहीं है तो कई बार लिखा जाएगा तीन, चार यहाँ है तो चार उसमें भी नहीं है चार, पांच यहाँ है और पांच यहाँ भी है तो दो बार ना लिखकर एक ही बार लिखा जाएगा, छः छः ये भी एक बार, इसके बाद सात इसके बाद आठ, यानी कि ये हो गया बी यूनियन सी। और चौथा है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी यानी कि इसमें जो है बी का और डी इन दोनों को जोड़ना है, यूनियन बी का मान दिया है सात आठ नौ दस, ये हो जाएगा तीन यहाँ तो तुम इसमें नहीं है, चार चार भी नहीं है, पाँच ये भी नहीं है, छ छ भी नहीं है, इसके बाद सात आठ नौ दस, यानी कि जो है ये सवाल जो है यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। जो दूसरे का जो पांचवा सवाल है उसमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इसी का मान निकालना है। अब तक तो दो दो को जोड़ना था, अब इसमें जो है तीन समुच्चयों को जोड़ना है एक साथ, तो तीन समुच्चयों को जोड़ना है तो सबसे पहले ए और बी को जोड़ा जाए तब सी को, या बी और सी को एक साथ जोड़ा जाए उसके बाद ए को जोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले ए और बी को जोड़ा जाए ए यूनियन बी, यानी कि ए के अवयव को लिखा जाए एक दो तीन चार यूनियन बी के और तीन चार पाँच छः, अब जोड़ने से पहले देखा जाए कि एक पहले समुच्चय में है लेकिन दूसरे समुच्चय में नहीं है तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा, दो पहले समुच्चय में है लेकिन दूसरे में भी नहीं है इसको भी एक बार, तीन पहले में है और दूसरे में भी है तो जब दोनों समुच्चयों में है तो इसको दो बार नहीं लिखा जाएगा बल्कि एक ही बार लिखा जाएगा, और चार तो चार भी पहले समुच्चय में है और दूसरे समुच्चय में तो इसको भी दो बार ना लिखकर एक बार ही लिखा जाएगा, बल्कि दो से अधिक बार भी यदि कोई संख्या मिल रही है तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा, जो पाँच है तो इसमें है दूसरे समुच्चय में लेकिन पहले समुच्चय में नहीं है ये हो जाएगा पाँच, छः है दूसरे समुच्चय में लेकिन पहले में नहीं है तो इसको एक ही बार, ये हो गया ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी में जोड़ना है सी को, इसलिए ए यूनियन बी
यूनियन सी इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी, तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मान निकल चुका है, तो ए यूनियन बी का मान रख दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद है यूनियन सी, यानी कि सी का मान यहाँ पर है 5, 6, 7, 8। इसके बाद अब जोड़ा जाए, पहले समुच्चय में एक है लेकिन दूसरे में नहीं है, इसको एक ही बार लिखा जाएगा, यहाँ पर दो है लेकिन इसमें दो नहीं है, इसी प्रकार 3 और 4 भी दूसरे में नहीं है, 5 पहले में भी है और दूसरे में भी है, इसको दो बना लिख कर एक ही बार लिखा जाएगा। इसके बाद 6 पहले समुच्चय में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। इसके बाद 7 और 8 दूसरे में तो है लेकिन पहले में नहीं है, तो इसके बाद इन दोनों को लिख दिया जाएगा क्रम से 7 और 8। इस प्रकार से हम लोगों का ए यूनियन बी यूनियन सी प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 5वें में कह रहा है कि जो प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है उसी का सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ का मतलब उसका दूसरा नाम है उभयनिष्ठ, या इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो एक्स के जो समुच्चय एक्स है इसके और दिया गया 1, 3, 5 और वाई का 1, 2, 3 हो जाएगा, इसलिए एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 1, 3, 5 इंटरसेक्शन 1, 2, 3। अब देखा जाए कि दोनों समुच्चयों में कौन सी संख्या या कॉमन है, यानी कि दोनों समुच्चय के कौन से ऐसे अवयव हैं जो दोनों में हो। एक यहाँ है पहले समुच्चय में तो दूसरे में भी है, ये हो जाएगा 1 कॉमन हो गया। 3 है तो 3 पहले में भी है और दूसरे में भी है, लेकिन 5 पहले में है दूसरे में नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। आप दूसरे में देखा जाए 2 ऐसी संख्या जो बच गई कि 2 में है लेकिन पहले में नहीं है, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 1, 3, यानी कि इसका ये आंसर हो गया। दूसरा दिया है ए बराबर जो समुच्चय ए है इसके वह है ए ई आई ओ यू, और जो बी दिया है ए बी सी, तो इसका सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन तो हो जाएगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू। अब देखा जाए कि दोनों समुच्चय में कौन से ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी कि दोनों में है। पहले समुच्चय में ए है तो दूसरे समुच्चय में भी ए है, इसमें पहले में ई है लेकिन दूसरे में ई नहीं है, पहले में आई है तो दूसरे में आई नहीं है, पहले में ओ है लेकिन दूसरे में ओ नहीं है, पहले में यू है लेकिन दूसरे में नहीं है, यानी कि ए ऐसा अवयव है जो दोनों में है। इसमें बी दिया है सी दिया है लेकिन इसमें बी और सी कहीं नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा ए, यानी कि सिंगल केवल ए है, ये इसका सर्वनिष्ठ हो जाएगा। इसके साथ ही ये दूसरा सवाल 5वें का दूसरा सवाल खत्म हो गया।